आई पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं और आज वाला ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने स्किल सब्जेक्ट ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस की तैयारी करनी है, एग्जाम की तैयारी करनी है, सीबीएसई का एग्जाम देना है और इस तरह के वीडियो आपने पहले भी मेरे देखे हैं। लेकिन आज वाले वीडियो में मैं आपको ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट के सैंपल पेपर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में आंसर्स बताऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स होंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे, उनके आंसर्स भी बताए जाएंगे। तो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बताए गए थे, आज लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बताने हैं। लेकिन आज वाले वीडियो में खास क्या है आपके लिए, मैं कुछ स्पेशल लाया हूँ। स्पेशल क्या है, वैसे तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है और आपके लिए नई नई जानकारियां मैं लेकर आता हूँ, तो आज कुछ स्पेशल बताता हूं मैं आपको कि क्या है। आज जब आप क्वेश्चंस देखेंगे और आंसर्स देखेंगे तो उसमें टेक्स्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। अगर आपको इंग्लिश वर्जन में कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप उसका हिंदी टेक्स्ट देखकर भी समझ सकते हैं। तो ये एक खास वीडियो है आपके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने हिंदी मीडियम से एग्जाम देना है उनको भी आज आंसर्स मिलेंगे और जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से देना है उनके लिए भी आज मैं आंसर्स लेके आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे और वीडियो देखने से ही आपको पता लगेगा कि आपने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में कितना बड़ा आंसर देना है और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कितना बड़ा आंसर लिखना होता है और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, आंसर्स कैसे देने हैं, हेडिंग कैसे बनाने हैं। और इस वीडियो में मैंने आंसर्स थोड़े से बड़े बड़े दिए हैं। जैसे आपसे पूछा गया है कि किसी आंसर्स में 3 पॉइंट्स आपने एक्सप्लेन करने हैं तो मैंने आपको 4 या 5 पॉइंट्स बताए हैं ताकि नेक्स्ट वाले अब आने वाले एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन 3 मार्क्स का ना होकर 5 मार्क्स में आता है तो भी आप उसको एक्सप्लेन कर सके। तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो थोड़ा बड़ा है, आंसर्स ज्यादा है और लॉन्ग आंसर्स हैं इसलिए वीडियो बड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ आप एंड तक देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन ज्यादा ना देते हुए हम मेन वीडियो को शुरू करते हैं और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे और ज्यादा अच्छे अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। और जिन्होंने इस वीडियो से स्टडी की, इन आंसर्स को लिखकर देख लिया, अपनी नोटबुक में लिख लिया और उनको याद कर लिया, बिना देख के लिखकर टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करी, तो उम्मीद है कि उनकी डिस्टिंक्शन से ऊपर ही मार्क्स आएंगे। यानी डिस्टिंक्शन 75 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स, यानी आपको विशेष योग्यता मिलेगी। 75 से ज्यादा मार्क्स होते हैं तो उसको डिस्टिंक्शन बोला जाता है। डिस्टिंक्शन वाले स्टूडेंट्स का मतलब है अगर वो रिज्यूमे लेकर कहीं जाता है तो वो डिस्टिंक्शन उसके काम आएगी, यानी इस सब्जेक्ट में उसको विशेष योग्यता प्राप्त है। और आपको ऑफिस में जॉब करनी है, अभी से प्रिपरेशन करनी है और उसके लिए डिस्टिंक्शन से ऊपर मार्क्स लाने हैं, यानी आपके 90-100 मार्क्स इजीली आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। मेन जो क्वेश्चंस हैं और आंसर्स हैं हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं और मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आएंगे। आप अपने कमेंट जरूर देना और जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। तो मेन टॉपिक क्वेश्चंस एंड आंसर्स सैंपल पेपर फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2021। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर CBSE स्किल डिपार्टमेंट का ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट का सैंपल पेपर। आज वाले इस सैंपल पेपर में सेकंड पार्ट है पेपर का और सारे आंसर्स बताए गए हैं, लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर्स मींस जो क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं या 5 मार्क्स वाले हैं उनके आंसर्स बताए हैं। ऊपर ये इंस्ट्रक्शन है, जिन स्टूडेंट ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा, ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि पेपर 2 पार्ट्स में आता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और मेन सब्जेक्ट स्किल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है और मेन सब्जेक्ट स्किल है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 10 मार्क का है और सब्जेक्ट का स्किल जो है 50 मार्क्स का आएगा।
तो देखते हैं आगे क्वेश्चन जो है 1 मार्क के भी आएंगे, 2 मार्क्स वाले भी आएंगे, और जो एम्प्लॉयबिलिटी में है और मेन जो सब्जेक्ट स्किल है उसमें भी 1 मार्क और 2 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इंस्ट्रक्शन में आप देख रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो 3 मार्क्स वाले होंगे और 5 मार्क्स वाले। 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस आएंगे और आपको सिर्फ 5 करने हैं, और 5 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चंस की चॉइस है, आपने सिर्फ 3 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। तो ये थी इंस्ट्रक्शंस जो आपको पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको 15 मिनट्स मिलेंगे क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये आज वाले जो वीडियो में है मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाया है। अगर आपने हिंदी ऑप्शन चूज़ किया है आंसर्स देने का तो आप हिंदी वाला पार्ट देख सकते हैं, और इंग्लिश वाला जिनके पास मीडियम है वो इंग्लिश वाला पार्ट देखेंगे। और टोटल पेपर जो है आपका 33 आवर्स का होगा और 60 मार्क्स का होगा, ठीक है? तो चलते हैं आगे, आप स्क्रीन पर देखें। और आपने क्या करना है, स्क्रीन पर जो भी बातें आपको बताई गई हैं, समझाई गई हैं, उसको आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है। एक चीज़ और ध्यान देनी है, टोटल क्वेश्चंस आएंगे 42 स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन में, और आपने उनमें से 30 ही करने हैं। तो बहुत अच्छी चॉइस आपको CBSE दे रही है, तो आप 100% मार्क्स लाने का थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। और उम्मीद है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको सफलता, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और परसेंटेज अच्छी बन जाएगी। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 से पहले वाले क्वेश्चन लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए गए थे, आंसर्स बता दिए गए थे। तो देखते हैं 31 क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ए सेक्रेटरी टू कोप विद प्रेशर। सेक्रेटरी को प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होता है, डेडलाइंस अंतिम सीमा भी आती आती है, कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं डेडलाइन पास होती है, काम ज़्यादा है एंड मल्टीटास्क करना पड़ता है, तो ये सब काम करने होते हैं। इन व्यू ऑफ द स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए डिस्कस एनी 3 पर्सनल क्वालिटीज़ क्वालिटीज़ बतानी है विच आर इम्पोर्टेंट फॉर अ सेक्रेटरी। जो सेक्रेटरी के लिए पर्सनल क्वालिटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए, और आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आप, हो सकता है कि आपको इन फ्यूचर आपकी सेक्रेटरी की जॉब लगे कहीं और आपको वर्क देखना पड़े, तो आपको पता होगा कि सेक्रेटरी को प्रेशर का सामना करना पड़ता है और कौन कौन सी आपके अंदर ये क्वालिटी, आपने अभी से वो क्वालिटीज़ अपने अंदर लानी है, तो वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं। यहाँ 3 क्वालिटीज़ पूछी गई हैं और मैं आपको 4 या 5 क्वालिटीज़ बताऊँगा, और आपने उसको अच्छे से याद करना है और क्वालिटीज़ अपने अंदर लानी है, ताकि जॉब ओरिएंटेड कोर्स है तो आपको जॉब मिलेगी ही और उस समय आपको किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इन फ्यूचर के लिए हमने आपने आपको प्रिपेयर करना है। तो पहली जो है क्वालिटी है वो है अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनता। प्राइवेट सेक्रेटरी में अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। डिटेल आप इसमें से उतार सकते हैं, और क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आप हिंदी वाला वर्जन भी पढ़ सकते हैं। दूसरी क्वालिटी है कॉपरेटिव एटीट्यूड, सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए। कर्टेसी, कर्टेसी सेक्रेटरी के अंदर ये निजी गुण होना जरूरी है। और पंक्चुअलिटी, ये तो हम सभी में होनी ही चाहिए, पंक्चुअल होना तो सभी को जरूरी है। सिंपल, ऐसी कोई खास बातें नहीं है, आपने एक बार पढ़ लिया तो हर व्यक्ति में ये सब टैक्ट होने चाहिए, और अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो टैक्टफुलनेस, तो ये सारी क्वालिटीज़ एक सचिव में होनी ज़रूरी है। उसके अलावा अभी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी जिनका मीडियम है उनको हिंदी में लिखना है। तो पहला है अनुकूलन, अनुकूलन की क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा है सहकारी मनोवृत्ति, सहयोग करना, शिष्टाचार और समय की पाबंदी।
आप स्क्रीन से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पूरा वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा, हिंदी में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हिंदी वाले आपको नहीं समझ में आते, तो आप उसका इंग्लिश वर्जन भी देख के इजीली समझ सकते हैं और आज वाला वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछा गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है आपको आंसर्स देखकर ये पता चल जाएगा कि आपने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कितना बड़ा आंसर देना है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कितना वर्ड का आंसर देना होगा। तो इसमें पूछा है राइट एनी 3 एडवांटेजेस, लाभ यानी, ऑफ यूजिंग मेल रूम इक्विपमेंट एंड मशीन। डाक कक्ष के जो उपकरण होते हैं, मशीनें होती हैं, उनके 3 लाभ बताने हैं। तो लाभ ये रहे आपकी स्क्रीन पर, मैं एक बार आपको हेडिंग बता देता हूँ, बाकी सब आपके पास मैटर रहेगा और आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, नोट करने के बाद इसको याद करेंगे और फिर लिख कर देखेंगे, बिना देखे आप लिख लेते हैं और टाइम नोट करेंगे कितने मिनट में आपने आंसर्स कर लिए, तो उससे आपकी स्पीड बन जाएगी, आपको याद हो जाएगा और आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो पहला है एडवांटेज, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ ऑपरेशन, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है अगर हम मशीन से काम करते हैं। सिंपल है, आपको एक बार पढ़ने के बाद याद हो जाएगा कि हेडिंग तो आपको याद हो ही जाएगा कि स्पीड से काम होता है मशीनों से। सिंप्लीफिकेशन, सरल हो जाता है मशीनों से काम करने से। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फिक्सिंग, क्या सिंप्लीफिकेशन होता है, फिक्सिंग ऑफ पोस्टेज, डाक टिकट लगाना आसान हो जाता है। एंड अवॉइडेंस ऑफ मिसयूज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प का दुरुपयोग नहीं होता अगर मशीन से हम काम करते हैं। और थर्ड है इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी, कुशलता बढ़ जाती है। और फोर्थ है सेविंग ऑफ टाइम, और आपको सिर्फ 3 एडवांटेज पूछे हैं, मैंने आपको 4 बताए हैं, आप कोई से 3 लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आज वाले पेपर में 3 एडवांटेज पूछे हैं, हो सकता है नेक्स्ट पेपर में यही क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाए तो आपसे 1 और 2 एग्जांपल्स एडवांटेज पूछे जा सकते हैं, या लॉन्ग में आएगा तो 4 भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपने 4 जो है एडवांटेज याद करने हैं। इसी का हम हिंदी वर्जन देख लेते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है, बाकी सब वही चीज़ है। हिंदी में क्या कहा जाएगा कि कौन कौन से लाभ हैं, परिचालन की गति में वृद्धि, कार्य करने की गति में वृद्धि, और डाक टिकटों को फिक्स करना काम सरल हो जाता है, टिकटों का दुरुपयोग नहीं होता, दक्षता और सटीकता में सुधार होता है और समय की बचत होती है। तो इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, और अगर आपने ये पेपर की तैयारी कर ली तो आप समझो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने वाले हो नेक्स्ट एग्जाम में। अब देखते हैं 33 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको चॉइस है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चंस की चॉइस मिलेगी और आपने इजीली पेपर सॉल्व करना है, टेंशन नहीं लेनी है। सवाल बहुत इजी आते हैं और आपने फिर वीडियो देख के तैयारी करी है, अपनी टेक्स्ट बुक से तैयारी करी है, स्कूल में भी आपने पढ़ाई की है, तो पेपर टफ नहीं लगेगा आपको। तो क्या पूछा है 33 क्वेश्चन में, डिस्क्राइब एनी 2 मॉडर्न इंडेक्सिंग टेक्निक, इंडेक्स वाले चैप्टर से है और इंडेक्स की टेक्निक पूछी है, 2 टेक्निक्स विच आर यूज फॉर लोकेटिंग रिकॉर्ड्स एफिशिएंटली, ऐसी टेक्निक बतानी है जिससे रिकॉर्ड कुशलता से ढूंढा जा सके। तो वो कौन कौन सी टेक्निक है मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आपने क्वेश्चन देख लिया, आंसर्स देखते हैं और इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपके लिए। सबसे पहली जो टेक्निक है कार्ड इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग का चैप्टर है तो आपने पढ़ा ही होगा कार्ड इंडेक्सिंग, इसमें स्टैंडर्ड साइज के कार्ड्स होते हैं और उन पर डिटेल्स लिखी होती है। दूसरा है लूज लीफ इंडेक्स, खुले पृष्ठों की अनुक्रमणिका हिंदी में बोलते हैं, इसमें पेजेस होते हैं और लेकिन वो खुले होते हैं, जैसे हम फाइल में लगाते हैं, पेज निकाल लेते हैं, फिर कुछ पेज अगर ख़राब हो गए हैं दूसरे बदल भी सकते हैं, नए पेज लगाए जा सकते हैं और जितने मर्जी पेज आप लगा सकते हैं, इसमें पेजेस की लिमिट नहीं होती। एक है तीसरा वाला बाउंड बुक इंडेक्स,
ये बुक जिल्द बंदी हुई होती है और इसमें लिमिटेड पेज होते हैं, आप पेज निकाल नहीं सकते और ना ही नए लगा सकते हैं। तो इस तरह की, तो आपने इसमें से सारी डिटेल अपने नोटबुक में नोट करनी है और फिर इसको याद करना है। इसका हिंदी वर्जन देखते हैं कि हिंदी वर्जन आपने पूरा वीडियो डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीन से शॉट लेना है, स्क्रीन शॉट लेकर भी लिख सकते हैं और रीडिंग कर सकते हैं इसको। और नेक्स्ट जो इसी का हिंदी वर्जन है, ऊपर इंग्लिश है, स्क्रीन स्लो है, थोड़ा स्लो स्लो चलते हैं ताकि आप इजीली पढ़ सकें, इसको उतार सकें। और 33 क्वेश्चन हिंदी वर्जन में क्या पूछा है, किसी भी दो आधुनिक अनुक्रमण तकनीकों का वर्णन करें। अनुक्रमणिका की जो टेक्निक होती है जिससे रिकॉर्ड कुशलतापूर्वक पता लगाए जा सके, जैसा कि पहले हमने देखा था कि पहला है कार्ड अनुक्रमणिका, दूसरा हिंदी में बोलते हैं खुले पृष्ठों की अनुक्रमणिका, इसकी डिटेल आप यहां से देख सकते हैं। और हो सकता है आपकी बुक में भी हो और आपने पहले से ही पढ़ रखा हो। और तीसरा वाला जो है पृष्ठ अनुक्रमणिका जो है वो बाउंड बुक, बंधी हुई पुस्तक के रूप में होती है, जिल्दबंदी पुस्तक के रूप में। तो इन सारी डिटेल्स को आपने नोट करना है, याद करना है। एक बार याद कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो काफ़ी चीज़ें याद रहेंगी, दोबारा पढ़ लेंगे वीडियो से समझ नहीं आ रहा हिंदी वाला वर्जन या इंग्लिश वाला, तो दोनों में इसीलिए दिया है कि आप इजीली उसको माइंड में सेट कर लें कि लिखना क्या है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्कस द रोल। रोल पूछा है किसका, PA पर्सनल असिस्टेंट, PS या पर्सनल सेक्रेटरी। तो आपको आगे चलकर PA या PS का रोल पता होगा तभी आप जॉब कर पाएंगे। तो हमने क्या करना है कि आपको जॉब की अभी से तैयारी करनी है और आगे चलकर आप इजीली रोजगार ले सकें। और ये कोर्स ही इसी बेस पर है कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स है कि आपको जॉब इजीली मिल जाए गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में। तो आपको रोल पता होंगे, इजीली आप जॉब कर सकेंगे। तो ये इंग्लिश वर्जन है, हिंदी में भी है इसका नीचे। और पहले हम देख लेते हैं तो क्या क्या मीटिंग में रोल होते हैं। टू ऑब्टेन सिग्नेचर, सचिव सिग्नेचर लेते हैं किनके, ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, जो मीटिंग में मेंबर प्रेजेंट होते हैं, अटेंडेंस बुक में लेते हैं या अटेंडेंस शीट पर। नेक्स्ट है टू हेल्प द चेयरपर्सन, अध्यक्ष की सहायता करते हैं कोरम में। टू कीप बिफोर द चेयरपर्सन द नेसेसरी पेपर्स, चेयरपर्सन को, अध्यक्ष को नेसेसरी पेपर्स प्रोवाइड कराते हैं, फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब मीटिंग में काम करने होते हैं सचिव को। और नेक्स्ट है टू रीड द नोटिस, नोटिस पढ़ना। अपोलोजाइज फॉर एबसेंस, जो लोग नहीं आए उनकी क्षमा याचना पढ़ना। और मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग के मिनट्स पढ़ना, कार्य सूक्ष्म जिसे बोलते हैं। एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट पढ़ना, ये सब काम सचिव को मीटिंग में करने होते हैं। टू सी दैट टी कॉफी स्नैक्स एटसेट्रा आर सर्व, ये भी देखना है कि चाय कॉफ़ी सबको मिल गई है या नहीं, सचिव को सारी चीज़ें देखभाल करनी होती हैं। और नेक्स्ट जो है टू टेक नोट्स, जो मीटिंग की कार्रवाई है, प्रोसीडिंग्स है, उसके नोट्स तैयार करना, ये भी सचिव का। आपने एनी 3 पॉइंट्स लिखने हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि कोई से 3 पॉइंट पूछे गए हैं और हमने यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिए तो आपको इजी रहेगा एग्ज़ाम में, जो भी आपको याद रहे आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसी का हिंदी वर्जन है 1 पॉइंट, सेकेंड नंबर पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ, 6 पॉइंट बताए हैं और कोई 3 बिंदु आपने सिर्फ लिखने हैं, तो आपके लिए इजी हो गया। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, तो काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा ये वाला वीडियो। और वीडियो से देखकर अगर आपने तैयारी की, मुझे लगता है कि आप 100% मार्क्स आप अवश्य लेकर आएंगे आने वाले एग्ज़ाम में। और चलते हैं 3 मार्क्स का नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन नंबर, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरली नीडेड फॉर एन ओवरसीज बिजनेस टूर, व्यापारिक टूर पर जा रहे हैं, ओवरसीज यानी विदेश यात्रा पर जाना है, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। इजी है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले से ही पता होंगे और कुछ वीडियो देखकर पता लग जाएंगे लिखना क्या है और हेडिंग है उसके अंदर क्या क्या लिखना होता है। सबसे पहला आप देखेंगे कि आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी विदेश यात्रा पर जाने के लिए। दूसरा है वीज़ा। अब पासपोर्ट होता क्या है, पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो उस देश की सरकार प्रोवाइड करती है, वो एक आइडेंटिटी होती है, नेशनैलिटी की पहचान होता है
तो इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह वीज़ा है, वीज़ा उस कंट्री की सरकार, उस कंट्री के जो हैं ऑफिशियल्स देते हैं जहां हमको जाना है परमिशन कि आप हमारे कंट्री में एंटर कर सकते हैं, री एंटर हो सकते हैं। और नेक्स्ट है थर्ड, हेल्थ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे कहीं भी यात्रा के लिए, कुछ कंट्रीज़ में हेल्थ डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं। और ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी ये आप करवा के जाएँ, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आपके लॉस ऑफ लगेज लॉस हो जाते हैं उसके लिए, या मेडिकल एक्सपेंसेस आपको फॉरेन कंट्री में करना है, या ट्रैवल डिले हो जाती है तो उसका आपको लॉस होता है, तो उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी आपको बहुत मदद देगी। और करेंसी, फॉरेन करेंसी आपने लेकर जानी है। तो ये सारी चीज़ें जो हम विदेश यात्रा करते हैं, आपको सबसे बड़ी बात है 3 पॉइंट्स लिखने हैं, और यहाँ हमने आपको 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए, तो इजी रहेगा आपको नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करने। और फिर सबसे बड़ी बात है, इस वीडियो में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन मिल रहे हैं, आप इजीली अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। कोई वर्ड हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा हिंदी वर्जन समझ सकते हैं, कुछ हिंदी के वर्ड टफ होते हैं तो इंग्लिश में इजीली समझ में आ जाते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है, आपने अपने फ्रेंड्स से शेयर करना है, और अपना तो अपनी तैयारी तो करनी ही है, और नॉलेज देने से बढ़ती है मेरा ये मानना है, और आप इस नॉलेज को एक दूसरे तक जरूर पहुंचाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है, दिखाई दे रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस, डिफरेंस बताना है किसमें, बिटवीन द टर्म्स, कौन कौन सी टर्म्स हैं, ओवरड्राफ्ट एंड डिमांड ड्राफ्ट, यानी ओवरड्राफ्ट और डिमांड ड्राफ्ट में क्या अंतर है, दोनों को हम एक्सप्लेन कर देंगे, अंतर ऑटोमेटिक निकल आएगा। और आपने इसको भी हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में मैंने समझाया है, और आप समझने का कोशिश करेंगे। ओवरड्राफ्ट की हेडिंग दी है और इसके अंदर उसको एक्सप्लेन किया है, इसी तरह डिमांड ड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट हिंदी में देखते हैं, एक ओवरड्राफ्ट एक व्यक्ति को चालू खाते के माध्यम से थोड़े समय के लिए पैसे उधार लेने की अनुमति देता है। और डिमांड ड्राफ्ट क्या है, यह एक दस्तावेज या मांग पर लिखी गई राशि का भुगतान करने का दस्तावेज है। यह दस्तावेज बैंक द्वारा उस व्यक्ति को निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने का अनुरोध करते हुए जारी किया जाता है, जिसके नाम पर यह डिमांड ड्राफ्ट जारी होता है। तो दोनों का अंतर इससे क्लियर हो गया, दोनों अलग अलग चीज़ हैं, आपने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया तो अंतर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, 37 क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आधा पार्ट तो आपने आपको पता ही होगा, और आपने हो सकता है यूज़ भी किया हो। ATM पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, हो सकता है पूरा नाम कई बार नहीं पता होता, और आपने थोड़ी भी स्टडी करी है बुक में से तो आपको पता होगा। दूसरा है ECS ज़्यादा पॉपुलर है, इसका पूरा नाम भी पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, पेमेंट से ये बैंकिंग वाले चैप्टर में से है, पेमेंट का सिस्टम है। आपने ये सारा इजीली पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है, नहीं समझ में आएगा आप इसका हिंदी वर्जन देख लेंगे तो इजी समझ में आएगा। ATM तो आपको समझ में आ गया होगा, ECS भी ज़्यादा टफ नहीं है। और हिंदी में देखते हैं, बैंकिंग लेन देन में ECS और ATM की उपयोगिता बताओ। तो ECS क्या होता है, यह धन को तेजी से क्रेडिट करने में मदद करता है। इस प्रणाली के तहत खाता धारक बिना किसी उचित साधन को जारी किए उसी बैंक में अपना खाता रखने वाले अन्य दलों को भुगतान कर सकता है। यह प्रणाली शहर के भीतर या बाहर एक ही बैंक की एक या विभिन्न शाखाओं में रखे गए खातों तक सीमित होती है, और कंप्यूटर सिस्टम खाते से विवरण की पुष्टि करने के पश्चात दूसरे पक्ष को धन हस्तांतरण की अनुमति देता है। यानी ये धन ट्रांसफ़र करने की एक सुविधा है, और आपका खाता बैंक में होना जरूरी है और दूसरी पार्टी का भी, तो बैंक से बैंक में खाते से ट्रांसफ़र होने का एक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या होती है, आपने देखा होगा, इसके लिए कार्ड मिलता है, कार्ड से हम ATM मशीन में डालते हैं और पिन नंबर डालकर रुपया पैसा निकाल लेते हैं। तो ये इजी है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे और आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में,
क्वेश्चन नंबर 38। अब यहाँ एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है और आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन मिले हैं, 2 क्वेश्चन की चॉइस है और यहाँ 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एक्सप्लेन वेरियस रूटीन एंड मिसलेनियस ड्यूटीज़। रूटीन ड्यूटीज़ भी बतानी है, मिसलेनियस ड्यूटीज़ भी बतानी है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों ड्यूटीज़ को एक्सप्लेन करना है। और किसकी ड्यूटीज़ बतानी है, PS यानी पर्सनल सेक्रेटरी, कौन सा पर्सनल सेक्रेटरी, मल्टीनेशनल कंपनी के पर्सनल सेक्रेटरी को क्या क्या काम करने होते हैं। तो हम ये देखते हैं क्या क्या काम करने होते हैं। नंबर पहले हम रूटीन ऑफिस ड्यूटीज़ देखते हैं। रूटीन ऑफिस ड्यूटी में क्या क्या काम है, टेक डिक्टेशन एंड ट्रांसक्राइब, डिक्टेशन लेना, उनको ट्रांसक्राइब करना, टेबुलेट डाटा सारणी वगैरह बनाना, सिंपल कैलकुलेशन करना, कॉरस्पॉन्डेंस वर्क करना, हैंडलिंग इनवर्ड आउटवर्ड मेल, लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन सर्च करना, इंटरनेट यूज़ करना आना चाहिए, और मेंटेनिंग इनकमिंग आउटगोइंग फिजिकल फाइल, फाइलें रखना लाना ले जाना ये सब पता होना चाहिए। ऑपरेशन ऑफ ऑफिस मशीन, मशीन चलाने का रूटीन वर्क PS को आना चाहिए। और उसके अलावा मेंटेनिंग अपॉइंटमेंट डायरी, डायरी मेंटेन करना आना चाहिए, और लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, कई सारे सोर्स हैं जैसे इंटरनेट है, रेलवे का टाइम टेबल कैसे पता लगेगा, डिक्शनरी कैसे सर्च होगी, टूरिस्ट गाइड, ये सब पता होना चाहिए। और इसके अलावा मिसलेनियस ड्यूटीज़ भी हैं, वो कौन सी, विविध ड्यूटीज़, जरूर रूटीन ड्यूटीज़ तो सचिव को आती ही हों और मिसलेनियस ड्यूटीज़ भी करनी पड़ सकती हैं। और वो मिसलेनियस ड्यूटी में क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, वो आपको इसी सिलेबस में सिखाया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी टाइपिंग का वर्क करना है, और प्रेजेंट द कंसाइज इन्फॉर्मेशन, संक्षिप्त इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स को देना, ड्राफ्ट ए रिपोर्ट, रिपोर्ट तैयार करना, स्पीच तैयार करना मीटिंग के लिए, और सुपरवाइज द जूनियर एम्प्लॉयज़, जो जूनियर एम्प्लॉयज़ हैं उन पर निरीक्षण करना, और एक्ट, नेक्स्ट है एक्ट एज ए लीजन ऑफिसर बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ के मध्यस्थता करना, और एडवाइस द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को सलाह देना, किस चीज़ की सलाह देना, ऑन पर्सनल एंड अदर मैटर, निजी मैटर और दूसरे मैटर्स पर सलाह देना, जैसे ऑफिस मशीन खरीदने के बारे में या इक्विपमेंट खरीदना है, स्टेशनरी कहाँ से आएगी, ये सब बातें आपने बॉस को सलाह देनी है। तो ये सारे वर्क हैं, मिसलेनियस वर्क हैं, और ये कभी कभी होते हैं रूटीन वाले रोज ड्यूटी जो होती हैं। अब इसी को हमने हिंदी वर्जन में भी समझाया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेम वही चीज़ें हैं, हिंदी में आप इसको उतार लें अगर आपने हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम से पत्र जो है क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। और हिंदी वाला और इंग्लिश वाला दोनों आपके लिए, आपके सामने हैं, स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, और आप इजीली अपनी स्टडी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी जानकारी नहीं है कि जो आपको याद ना रह पाएँ, और पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है आपने। अब चलते हैं 39th क्वेश्चन, ये भी 5 मार्क्स का है, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और चॉइस है आपके सामने। अगर एक क्वेश्चन आपको कोई नहीं आता तो घबराना नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, हो सकता है दूसरा वाला आपको अच्छे से आता हो। और इसमें क्या पूछा है 39 में, सजेस्ट अ रूटीन यूजुअली फॉलोड फॉर एन एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ इनकमिंग मेल। आने वाली डाक का रूटीन कैसे, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डाक को कैसे संभालते हैं, ये आपने बताना है। तो ये आपकी स्क्रीन पर डाक संभालने की विधि लिखी हुई है। रिसीविंग मेल, पहले तो डाक आएगी, कौन दे जाएगा, पोस्टमैन दे जाएगा या फिर मैसेंजर कोई दे जाएगा, कोरियर कंपनी भी से भी डाक आती है, तो ये सब डाक आने का तरीका लिखा हुआ है। उसके बाद जब डाक आ जाती है तो हमें क्या करना है, सॉर्टिंग मेल, स्क्रीन पर देखें, मेल को छांटना है। सॉर्टिंग मीन्स छांटना होता है कि कौन सी डाक पर्सनल है, प्राइवेट है, सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, ये सब इसमें लिखा हुआ है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। और उसके बाद ओपनिंग मेल, डाक खोलना है, डाक खोलते समय ये ध्यान रखना है कि एनवेलप के अंदर कंटेंट जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, और एनवेलप को ध्यान से खोलना है, और उसके साथ एनक्लोज़र लगा देने हैं, जो भी एनक्लोज़र आपने उसके साथ हैं वो लगा देने हैं। उसके बाद क्या काम करना है, एग्जामिनिंग कंटेंट, कंटेंट को एग्जामिन करेंगे कि उसमें लिखा क्या है, मैटर क्या है, मैटर को एग्जामिन करेंगे, ये एग्जामिनिंग ऑफ कंटेंट, और ओपन करके उसके बैक साइड में इस तरह की एक मोहर लगा देंगे, जो भी आपने लेटर
आपने खोला है उसके बैक साइड पे इस तरह की एक मोहर लगा देंगे ताकि ये संस्था का पत्र हो गया, संस्था में आ गया, उससे पता लग जाता है किस तारीख को आया है, टाइम है, डायरी नंबर है और सिग्नेचर कर दिए जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, आप देखें रिकॉर्डिंग मेल, डाक का रिकॉर्ड रखना होता है। एक डाक का रिकॉर्ड रखने के लिए इनकमिंग मेल रजिस्टर, इस तरह से मेल रजिस्टर का एक प्रोफॉर्मा बना लेंगे। मार्केट में अगर बना हुआ है तो इस तरह से बना बनाया रजिस्टर भी ले सकते हैं, उसमें सीरियल नंबर है, डेट है, रेफरेंस नंबर है, नेम एड्रेस, सेंडर का नाम और पता, ब्रीफ सब्जेक्ट, ये सब जानकारियाँ लिख देंगे और उस पत्र का रिकॉर्ड हो जाएगा। इस तरह से आपको प्रैक्टिकल में भी स्पेसिमेन मेल रजिस्टर का बनाने को आ सकता है, तो प्रैक्टिकल वर्क भी हो गया और आपका थ्योरी वाला काम भी हो गया। अब देखते हैं रिकॉर्डिंग मेल, फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग मेल, डाक को डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसकी डाक है उसको देना। और फॉलो अप एक्शन मीन्स उस डाक पे क्या कार्रवाई की गई है, क्या जो भी कार्रवाई होनी है वो हो गई है, टू थ्री डेज में उस पर फॉलो अप एक्शन लिया जाता है। और इसी को फिर हम हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी वर्जन जो उनके लिए जिन स्टूडेंट्स को हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम देना है और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है और हिंदी में इजीली समझ में आ जाता है और समझ में आने के बाद वो इंग्लिश में इजीली लिख पाते हैं। तो फिर वही सेम क्वेश्चंस है और आंसर भी उसका, मेल प्राप्त करना, डाक छाटना, डाक खोलना। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, इजीली नोट कर लेंगे स्क्रीनशॉट देखकर, और वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। और थर्ड पॉइंट के बाद विषय वस्तु की जांच करना, उसी तरह फिर ये मोहर लगाना है। मोहर लगाने का तरीका वही है, दिनांक और समय लिखना है, डायरी संख्या, हस्ताक्षर हैं, और फिर डाक का रिकॉर्ड रखना है। आगम डाक का रजिस्टर कैसे बनाया जाता है ये आपके सामने है, जैसे कि हमने इंग्लिश में दिखाया था सेम वही उसी का हिंदी वर्जन है, और हिंदी में थोड़े से लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। वहाँ सीरियल नंबर था, यहाँ क्रम संख्या है, डायरी नंबर वही है, दिनांक है, पत्र का संदर्भ संख्या। तो हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है। और फिर डाक का वितरण करना है, फॉलो अप एक्शन यानी डाक पे क्या कार्रवाई हुई। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन, जियोग्राफिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, फाइलिंग वाले चैप्टर में से है, और भौगोलिक पद्धति के बारे में पूछा है। क्या पूछा है, भौगोलिक पद्धति और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत सारी बातें पूछी हैं, तो आपको सारा एक्सप्लेन करना है। तो जियोग्राफिकल सिस्टम फाइलिंग का, फाइल क्लासिफिकेशन का ये सिस्टम क्या होता है। दिस सिस्टम इज सूटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ इट्स बिजनेस स्प्रेड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। ये उन संस्थाओं के लिए उपयोगी पद्धति है जिनका व्यापार कई क्षेत्रों में फैला हुआ है, जियोग्राफिकल क्षेत्रों में फैला हुआ है। और इसमें होता क्या है, फाइलों को जियोग्राफिकल पद्धति भौगोलिक अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि आपको नॉर्थ जोन की फाइल रखनी है, उसमें हरियाणा है, हिमाचल है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है। फिर उसके बाद जोन वाइज साउथ जोन में आता है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरला, इस तरह से फाइलों को वर्गीकृत क्लासिफाई किया जाता है। फिर उसके बाद अल्फाबेटिकल इनको रखा जाएगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको क्लासिफाई करना है, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, अंबाला है, करनाल है, रोहतक है, इस तरह से उनको फिर से क्लासिफाई कर लिया जाएगा। फिर टाउन वाइज करना है, टाउन वाइज जैसे अमृतसर टाउन, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, इस तरह से हम अलग अलग उनको क्लासिफाई फाइलों को कर लेंगे। और ये फाइल करने की एक अच्छी विधि है जिनका व्यापार विभिन्न राज्यों प्रदेशों में फैला हुआ है उनके लिए। और एडवांटेज क्या है इसके, इट असिस्ट इन स्पीडी लोकेशन ऑफ फाइल, इससे फाइल स्पीडीली मिल जाती है, तेज गति से मिल जाती है, और जिनका व्यापार जहाँ ज़्यादा फैला हुआ है विभिन्न क्षेत्रों में उनके लिए हर क्षेत्र की फाइल ढूंढना आसान हो जाता है। इट इज़ दूसरा क्या, इट इज़ सिंपल एंड एडवांटेजियस टू स्टडी कंपेरेटिवली द प्रोग्रेस मेड इन डिफरेंट एरियाज, कि किस एरिया में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, हमारा जो व्यापार बढ़ रहा है तो किस इलाके में ज़्यादा बढ़ रहा है, किस में कम पड़ रहा है, तो इससे ये पता ईजिली लगाया जा सकता है अगर हमने भौगोलिक पद्धति से, जियोग्राफिकल विधि से फाइलें रखी हैं।
अब डिसएडवांटेज भी हैं, क्या इसके दोष हैं, इसकी हानियां क्या हैं इस पद्धति की। ज्योग्राफिकल नॉलेज होना ज़रूरी है, जो भी क्लर्क है डिपार्टमेंट, जो भी इसको फाइल को हैंडल कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको नॉलेज होनी चाहिए सिस्टम की, और ज्योग्राफी की नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं है तो वो इस पद्धति को नहीं चला सकते। और दूसरा क्या है, दिस सिस्टम अलोन कैन नॉट हेल्प, ये सिस्टम जो है अकेला काम नहीं आता, अलोन कैन नॉट हेल्प, इसके साथ आप अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिक सिस्टम दोनों सिस्टम मिलाकर चलते हैं, ये इसमें अकेला नहीं चल पाता, ये इसकी हानि है, इसके दोष हैं। और फिर इसी को हमने हिंदी वर्जन में समझाया है, आप इसका हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं अगर आपने पेपर हिंदी माध्यम से देना है, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी हिंदी में देख सकते हैं अगर इजीली हिंदी में उनको समझ आ जाता है। और जो स्टूडेंट हिंदी माध्यम से पेपर दे रहे हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में नहीं क्लियर हो पा रहे, तो उसका इंग्लिश वर्जन भी, तो दोनों वर्जन देने का मेरा मकसद ये है कि आपको जो है कंटेंट क्लियर हो जाए, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं, मेरा मकसद यही है। और आपने ये वीडियो पूरा देखना है, एंड तक देखना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ये जो लाभ हैं और इसके दोष भी नुकसान जो हैं इसी पद्धति के हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मित्रों से शेयर करना है, और ताकि सभी के अच्छे नंबर आए, आपके तो अच्छे आएंगे ही आएंगे। और नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, टोटल मैंने बताया 42 क्वेश्चंस आते हैं, 41 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राइट शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट लिखना है, और किसके ऊपर, टाइप्स ऑफ मीटिंग, मीटिंग्स कितने प्रकार की होती हैं, और नेक्स्ट है मिनट्स ऑफ मीटिंग, मीटिंग के सूक्ष्म मिनट्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो टाइप्स ऑफ मीटिंग में बताया गया है कि मीटिंग जो है दो तरह की बताई गई हैं, एक तो ये है पब्लिक मीटिंग और दूसरा है बिजनेस मीटिंग। पब्लिक मीटिंग के आप यहाँ से डिटेल पढ़ सकते हैं, पब्लिक मीटिंग क्या होती है, गैदरिंग होती है जिसमें पब्लिक होती है, बिजनेस मीटिंग वो होगी जो व्यापार के सिलसिले में की जाती हैं। डिटेल आपके सामने है, आप अपनी स्क्रीन से इसको उतार लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है और 42 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। तो आप इसको इसीलिए हिंदी और इंग्लिश में दिया है कि जिनको हिंदी वर्जन समझ में आएगा हिंदी में पढ़ लेंगे, इंग्लिश आएगा तो इंग्लिश वर्जन पढ़ लेंगे। और आपने एक ही माध्यम से पेपर देना है, ये नहीं कि कोई क्वेश्चन हिंदी में दे दें, किसी का आंसर इंग्लिश में दे दें, ऐसा नहीं करना है। अब देखते हैं, जनरल मीटिंग है, कमेटी और सब कमेटी की मीटिंग्स होती है, जनरल मीटिंग में भी कई तरह की मीटिंग्स हैं, और एनुअल जनरल मीटिंग होती है, AGM जिसे बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग होती है, ये इमरजेंसी मीटिंग कहलाती है, तो ये और कमेटी मीटिंग्स होती हैं, व्यापारिक जो मीटिंग होती हैं उसमें कमेटी की बैठकें भी होती हैं, ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। दूसरा जो इसमें पॉइंट पूछा गया था कि मिनट्स ऑफ मीटिंग, मीटिंग के मिनट्स, कार्य सूक्ष्म क्या होते हैं, तो ये मीटिंग का रिकॉर्ड होते हैं कि मीटिंग में क्या क्या कार्रवाई की गई, उसका रिकॉर्ड को हम मिनट्स में उसको एक बुक में नोट कर लेते हैं। आपने इसको ईजिली पढ़ने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है, फिर उसी तरह इसका हिंदी वर्जन आपको दिया ही है। संक्षिप्त नोट्स लिखें, कौन से नोट्स लिखने हैं, बैठक के प्रकार और बैठक के कार्यवृत्त, कार्यवृत्त इंग्लिश में मिनट्स बोलते हैं, हिंदी में कार्यवृत्त या सूक्ष्म भी कहा जाता है। तो ये आप हिंदी वर्जन भी पढ़ सकते हैं, आपके लिए बहुत आसान हो गया, ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और आपको एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो इसमें से आपको काफ़ी मैटर आने वाला है। आप देखो, सामान्य बैठकें, समिति की या उपसमिति की बैठकें और बैठक के कार्यवृत्त जिनको मिनट्स बोलते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, और आप अपनी बुक से तो आपने पढ़ा ही होगा या पढ़ सकते हैं। अगर वहाँ नहीं समझ में आया तो यहाँ वीडियो में आपको मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। टोटल 42 क्वेश्चंस आने हैं, 41 क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। कार्यवृत्त मिनट जो है बैठक की कार्यवाही का रिकॉर्ड होता है, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। और अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन, और घबराना इसलिए भी नहीं है, कोई किसी तरह की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपको च्वाइस है, 2 क्वेश्चंस की च्वाइस है, आप कोई से 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं 5 मार्क्स वाले। लॉन्ग क्वेश्चन आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, एंड तक देखा है, तो
उम्मीद है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। अब ये इसमें 42 क्वेश्चन में क्या पूछा है, आउटलाइन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर बुकिंग ऑनलाइन ट्रेन, ट्रेन की टिकट रिजर्वेशन बुक करना है फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर, शताब्दी एक्सप्रेस से आपको जाना है तो उसके लिए टिकट कैसे बुक होता है। हो सकता है आपने टिकट बुक करवाया भी हो, ऑनलाइन कैसे टिकट बुक कराया जाता है, तो इसमें प्रोसीजर बताया है आपको, लॉग इन टू योर IRCTC अकाउंट, वहाँ पर अकाउंट पर जाना है, ई टिकट का ऑप्शन आएगा, क्लिक ऑन बुक टिकट, बुक टिकट पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद सिलेक्ट द ट्रेन, हमारे को बताया है कि शताब्दी ट्रेन की टिकट बुक करनी है, चेक फॉर द सीट, सीट लेनी है, बर्थ लेनी है, जो भी आपने चेक करना है, और स्टेटस अवेलेबल है सीट या नहीं है ये चेक करना है, वंस अगेन चेक इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन फॉर्म भरना है उसको चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक बार आपने माइंड में बैठा ली और आप इसको पॉइंट वाइज लिखना है, सबसे बड़ी बात है आंसर जब भी देना है आपने पॉइंट्स वाइज देना है और हेडिंग लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर जरूर डालना है, आप जब भी आंसर लिखें उसका प्रश्न संख्या उत्तर संख्या जरूर लिखें। और उसके बाद यही हमने जो है हिंदी वर्जन में भी आपको समझाया है, और अगर आपको फॉर्म भर लिया उसके बाद पेमेंट करनी है, पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे, ये पेमेंट वाला ऑप्शन है, और पेमेंट ऑप्शन पर जाकर आप पेमेंट कर सकते हैं, और आपने अपने मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर देनी है और आपकी टिकट बुक हो जाएगी। और आपने इसी को हिंदी में भी, अगर वर्जन हिंदी मीडियम से आंसर देने हैं तो ये आपका हिंदी वाला वर्जन है, आपने सारा बड़े आराम से जो है मैटर पढ़ना है, कंटेंट को माइंड में रखना है और अपने रजिस्टर में फाइल में नोट कर लेना है। और नीचे आपके लिए एक संदेश है, वर्क हार्ड नाउ, आपने एग्ज़ाम से पहले अगर वर्क हार्ड कर लिया, एन्जॉय लेटर, बाद में आप एन्जॉय कर सकते हैं, इजीली एग्ज़ाम देंगे, आपको किसी तरह की टेंशन नहीं होगी। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, हो सकता है कि आपने पूरा ही देखा होगा, मैं ये ऐसी उम्मीद करता हूँ, और अगर नहीं देखा तो इसको आप दोबारा फिर से देखें, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, काम आने वाले क्वेश्चंस हैं और आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, थैंक यू।